आज हम सुबह में गर्मा गर्म पास्ता खा रहे हैं। बढ़िया पास्ता। सुबह का नाश्ता पास्ते के से कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया क्रीमी पास्ता है। बहुत बढ़िया यम्मी टेस्टी। आप भी खाइए। आइए सब्सक्राइबर, देखिए कितने बढ़िया है पास्ता। रेनुकुलस हमारा खिलने लगा है। बहुत बहुत प्यारे शेड आए रेनुकुलस के। और ये भी जरबेरा भी अच्छा खिल गया है। जरेनियम है, बहुत प्यारे खिलना जरेनियम। पर्पल कलर ये सारे खिलने लगे अब हमारे यहाँ। शेड भी बहुत प्यारा है। रेनुकुलस वाइट रेनुकुलस का और कलियां भी बन रही हैं। फूल खिलना शुरू हो गया है। एक से एक बढ़ के खूबसूरत कलर, बिल्कुल लगता है गुलाब की तरह। ये जरूर लगाना चाहिए रेनुकुलस। साइज देखिए कितना बड़ा, बेहतरीन कलर, बहुत प्यारा शेड। बहुत प्यारे प्यारे शेड सारे खिलना शुरू हो गए रेनुकुलस के। अब आज हम अपनी मुर्गियों को खिचड़ी खिलाएंगे। खिचड़ी और मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी है ये, और ये है उड़द की दाल की खिचड़ी, और इसमें थोड़ी रोटी डाली है, और इसमें डाली है मैंने हल्दी। ये खिलाएंगे ले जाके। बहुत बढ़िया दाल की खिचड़ी, अच्छी तरह से ये मिक्स कर रही हूँ। गरम गरम खिचड़ी और रोटी मैंने इसमें मिलाई है, और मैंने मिलाई है हल्दी। ये सब इनके लिए फ़ायदेमंद है। ये सब इन्हें खिलाऊंगी ले जाके अब मैं। सबको खिला खिचड़ी, और खिचड़ी रोटी। मैंने इन्हें डाला है खिचड़ी और रोटी, उसमें कुछ हल्दी मिलाई है। ये सब खा रही हैं बहुत शौक से। फ़ायदेमंद भी बहुत है इनके लिए, खाती भी शौक से हैं। घर का खाना पक्का हुआ। आज हम आए हुए हैं किचन गार्डन की साइड शलजम निकालने के लिए। हमने क्या देखें शलजम हुए नहीं हुए, ये थोड़े लाल गांठ के शलजम जो हमने लगाए थे, ये सर्दी की वजह से बढ़ नहीं रहे। ये आए अभी तो पहली सब्जी लाल गांठ के शलजम आज हम बनवा रहे हैं अपने किचन गार्डन के। ये देखिए सर्दी भी तो हो रही है बहुत, धूप लगेगी तब बढ़ेंगे। वैसे भी छोटे होते हैं लाल गांठ के शलजम, जो विलायती शलजम बड़ा होता है। पहली सब्जी ये हमारे यहाँ की हम निकाल रहे हैं, आज बनवाएंगे तो हमने कहा दिखाएं फ्रेश फ्रेश सब्जी घर की, गोबर की खाद की, कोई इसके अंदर यूरिया वूरिया कुछ नहीं डलवाइए। ये देसी खाद गोबर की बेस्ट खाद होती है, उसी से सारी सब्जियां हमारी यहाँ उगाई जाती हैं। बहुत बहुत बड़ी मूली आई है, और शलजम भी बहुत सही आया है। ये लाल गांठ का शलजम छोटा छोटा बहुत टेस्टी होता है। हमने किस तरह से देखिए, हमने सारा सब प्रोसेस दिखाया था कि किस तरह से लगता है, लगाते हुए भी हमने दिखाए थे शलजम।
और किस तरह से अब ये बन गए हैं, निकलना है, सब हम दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग में, सब कुछ दिखाते रहते हैं। जब हम बो रहे थे शलजम, कैसे खेत तैयार हो रहा था, कैसे शलजम लगाए थे हमने, सब कुछ हमने अपने ब्लॉग में दिखाया। अब ये शलजम तैयार हो चुके हैं, अब हम निकाल रहे हैं इसको, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सर्दी का मौसम हो रहा है, बढ़िया। तो ये सब्जियाँ सर्दी वाली आ गई हैं, बहुत ही टेस्टी। इस तरह से ये शलजम मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लाल गाट के बनाइए, खाइए, कितने अच्छे हरे हरे पत्ते वाले शलजम। इतना बढ़िया शलजम लगाए, बढ़िया शलजम। ये देखिए घर की सब्जी शलजम, देसी शलजम, बढ़िया। हरा भरा पालक, नराई होगी इसकी, श्यामलाल आ जाए तो नराई करें, ठंड की वजह से नहीं आ रहे वो। ये बड़ा बड़ा पत्ते काटो, घर का पालक देसी खाद का, बढ़िया हरा भरा। ये ले लो और थोड़ा, ये वाला, ये बड़ा बड़ा जो खड़ा हुआ है वही ले लो। हाँ, उनसे कहना अभी लेना, इसे बीनना पड़ेगा पालक को, क्योंकि अभी नराई नहीं हुई है इसकी, इसमें घास एकाध मिली हुई है। ये थोड़ा सा बस ये वाला काट लो, हो जाएगा पालक, ठीक है। हाँ, बस अब ठीक है, इतना ही पालक बहुत है, बस ठीक है। रात बहुत तेज हवाएं चल रही थी, इससे हमारा केले की जो गहर है ये टूट गई, आधी आधी रह गई उसके अंदर। सुबह हम उठा के लाए इसको, अभी हम दिखाएंगे वो वाला दूसरा जो टूटा है, आधा टूटा है ये, अभी आधा पेड़ में ही लगा हुआ है, वो भी दिखाऊंगी अभी मैं। रात बहुत तेज वो था, तेज मुझे का हवाएं चल रही होंगी क्या, मैं सुबह उठी तो ये सब टूटा हुआ मिला मुझे, पेड़ पर नीचे पड़ा हुआ मिला, ऐसे पूरा ये पड़ा हुआ मिला यहाँ पर, तो मैं ये उठा के ले गई। ये भी सब टूट गई, ये भी टूट गई, ये यहाँ से टूट गई, अलग हो गई, ये अलग हो गया वजन से, या तो टूटा या हवाएं चल रही होंगी इसकी, पूरी गहर टूट गई ऐसे। तो मैंने फिर इसको ऐसे उड़वाया दो लोगों से और डंडा लगवाया इसमें। ये देखिए हमारी गहर जो है टूट गई है, अब इसको कैसे पकाएं? अगर आपको किसी को हमारे सब्सक्राइबर को पता है कि कैसे ये पकेगी तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि इसको हम कैसे पकाएं और क्या करें। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं बर्फ़ लगा के पकाएं और कुछ कह रहे हैं कि केमिकल लगाइए, अब हम तो केमिकल तो लगाना नहीं चाह रहे हैं, हम केमिकल से वैसे भी बचते हैं। तो मैं ऐसे ही इसको लपेट के रख दूँगी, क्या करूँ अब? आप किसी को पता हो तो प्लीज़ आप बताइए कि किस तरह से इसको पकाएं हम गहर को। तोते कमरखे खा खा के फेंक रहे हैं, कितनी पक्की पक्की कमरखे हैं ये, सर्दियों में बहुत आ रही हैं कमरखे। ये तोते बुलबुले सभी खा रहे हैं तो कमरखे,
बढ़िया है, जानवरों की डाइट भी तो है, जानवर भी तो खाएंगे सब चीज़ें, इनके लिए तो बनाया ही है अल्लाह ताला ने सब चीज़ें। ये देखो कितनी बड़ी कमरख लगी है, है ना जी। मगर ठंड में कौन खाएगा कमरख, जुकाम हो जाएगा, कमरख खाएंगे तो जुकाम तो नहीं होगा। देखने में तो बहुत अच्छी है, दिल चाह रहा खा लूं मैं इसको। हमारी मुर्गी अंडा देने बैठी है, रेड वाली मुर्गी कुर्सी पे अंडा देती है, ये देगी अंडा। हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया, ये देखिए अभी बैठी हुई थी और देख के चुपके से चली गई।